मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। ठाणे के भिवंडी मार्ग कसेली गांव के पास गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत होने की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक मजदूरों के ठेकेदार थे गणेश पोकटे, इनकी गोली मारकर हत्या की गई है। हत्या करने वाले बताया जा रहा है कि दो बाइक सवार लोग थे और इन्होंने अचानक गणेश पोकटे पर गोली चलाई। ये जबकि अपने कार से कहीं जा रहे थे, उसी दौरान इनके ऊपर फायरिंग हुई और ये फायरिंग होने की वजह से ये घायल हो गए। घायल अवस्था में इन्हें तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हत्या के पीछे मजदूरों का जो ठेका है वो आदान प्रदान करने की वजह हो सकती है। नारपोली पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मदन बल्लाल ने बताया है कि हमलावरों की पहचान भी कर ली गई है और इन्हें पकड़ने के लिए टीम भी गठित की गई है। इसी तरह से 18 सितंबर को कोकटे पर जानलेवा हमला ठाणे में हुआ था, जिस वक्त ये बाल बाल बच गए थे और 5 लोगों ने इन पर फायरिंग की थी और इस पूरे मामले में भी अपराध दर्ज किया गया था और गिरफ्तारी हुई थी। मगर अब कल जो है गणेश कोकटे पर जिस तरह से दो बाइक सवारों ने फायरिंग की, इसमें गणेश कोकटे की मौत हो गई है और इस पूरे मामले की जानकारी इंस्पेक्टर मदन बल्लाल ने क्या कुछ दी है आपको सुना दी। गणेश कोकाटे नावाचा, गणेश दुर्योधन कोकाटे, वय 33 वर्ष, हा अपने पवनपुत्र रेसिडेंसीमध्ये राहणारा एक युवक आहे। याची लोडामध्ये तो कामगार पुरवण्याचं काम करतो। त्या कामगार पुरवण्याच्या कारणावरून गणेश इंदुलकर नावाच्या एक सराईत गुन्हेगाराने त्याच्यावर संध्याकाळी 7:30 वाजण्याच्या सुमारास कशेळी ग्रामपंचायतीच्या गेट नंबर 1 हा कारने जात असताना त्याच्यावर फायरिंग करून त्याला जख्मी केलं होतं। जख्मी केल्यानंतर त्याच्या त्या भावाने आणि पोलिसांनी त्याला ज्युपिटर हॉस्पिटलला ॲडमिट केलं होतं। ज्युपिटर हॉस्पिटलला ॲडमिट केल्यानंतर त्याला डॉक्टरांनी तपासून मयत घोषित केलेलं आहे। हा प्रकार असा आहे की यांची लेबर कॉन्ट्रॅक्टर पुरवण्याच्या कारणावरून वाद आहे आणि हा वाद अनेक दिवसापासून चालू आहे। गेल्या सप्टेंबर महिन्यामध्ये सुद्धा गणेश कोकाटेवर ह्याच आरोपींनी फायरिंग केलं होतं। त्याच्याबद्दल चितळसर मानपाडा पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल आहे। त्याच्यामध्ये 4 आरोपी पण अटक झालेले होते। हा आरोपी त्यामधून फरार होता। आरोपीचा शोध घेण्यासाठी आम्ही 3 टीम तयार केलेल्या आहेत आणि CCTV फुटेजच्या मदतीने आणि इतर गोष्टींच्या मदतीने आरोपी त्याचप्रमाणे त्याचे इतर साथीदार यांचा शोध घेत आहोत। या गणेश कोकाटेने 5 महिन्यांपूर्वी नारपोली पोलीस ठाण्यामध्ये अर्ज दिला होता का त्याला जीवे कारणासाठी कोणी पाठलाग केलं जाते का? त्यांनी अशाच प्रकारच्या कंप्लेंट दिलेल्या होत्या। ह्या कंप्लेंटचे पण तपास चालू होते। त्याच्यामध्ये सुद्धा याचा शोध घेण्यात आला होता गणेश इंदुलकरचा, परंतु तो मिळालेला नव्हता। आता त्याचा शोध घेत आहोत क्राईम ब्रँच, त्याचप्रमाणे पोलीस स्टेशनच्या टीम यांच्या मदतीने त्याला शोध घेण्याचा प्रयत्न करत आहोत।